एक बार रावण ने तपस्या करते हुए महात्माओं के रक्त को एक घट में भरा था, तो ऋषि अगस्त, मातंग, अत्रि, ये सब वहीं रहने वाले महात्मा हैं और बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, लगभग उसी जंगल में रहते हैं। इधर अत्रि का आश्रम है, इधर ऋषि मातंग हैं जिनकी शिष्या सबरी है, इधर अगस्त हैं, ये सब बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। इन्होंने जब देखा कि तपस्या करते हुए महात्माओं का रक्त रावण ने एक घट में भरा है जिससे वो अमरता का अनुष्ठान करने वाला है, तो ऋषि अगस्त ने रावण को श्राप दिया कि मैं कुंभज, जिसने समुद्र को तीन अंजुलि में पान कर लिया था, मैं शिव भक्त कुंभज तुझे श्राप देता हूं कि ये रक्त ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये बात विभीषण को पता थी। विभीषण ने मंदोदरी को बताई, मंदोदरी ने रावण को समझाया कि इस रक्त को जंगल में कहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ये आपकी मृत्यु का कारण बना तो ब्रह्मा जी का वरदान भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि साधु के वचन को ब्रह्मा भी टाल नहीं सकते हैं। चाहे आपने जितनी भी तपस्या करी हो, पर महादेव की सौगंध ये आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो रावण कहता है, मंदोदरी तू है तो बहुत विद्वान, पर कहीं ना कहीं तू है स्त्री के स्वभाव से ग्रसित, अरे कहीं ये रक्त मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। देख, अब अमावस की घोर रात्रि आने वाली है, आज से 3 दिन बाद अमावस की घोर रात्रि में मैं इस रक्त का पान करूंगा। वो ग्रहण की बेला थी और रावण उस ग्रहण की बेला में उस रक्त को रखकर अमावस की घोर रात्रि में उसका पान करने वाला था। और तब मंदोदरी ने विभीषण से कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब कोई और उपाय नहीं है, आप इस रक्त को इतनी दूर पहुंचा दो कि ये कभी रावण तक पहुंच न सके। मंदोदरी ने विभीषण के हाथ में वो रक्त ये कहते हुए दिया कि हैं तो आप मेरे देवर, पर मैंने सदा आपको अपना भ्राता माना है, क्योंकि आप विष्णु भक्त हैं, मेरे स्वामी की रक्षा करिए। यूं समझिए कि अपने भाई की, अपनी बहन की, सुहाग की रक्षा करनी है आपको। विभीषण ने कहा कि माँ, आप भविष्य को जानने वाली एक विद्वान नारी हैं, मैं नहीं जानता कि आपने महासती होते हुए भी रावण जैसे दुष्ट को क्यों चुना है, पर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि मुझे ऐसा लगता है कि किसी के श्राप को टाला नहीं जा सकता, पर फिर भी आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। विभीषण उसे एक रात्रि में जितनी दूर ले जा सकते थे घट को, उतनी देर अपनी अपनी गति के अनुसार लेकर के गए। और जब भोर होने को हुई तब विभीषण को लगा कि इससे आगे मैं गति नहीं कर पाऊंगा, मैं असुर समूह का प्राणी हूँ और अब मनुष्यों की बस्ती आने लगी है, अब मनुष्यों के नगर में इससे आगे जाना मेरे लिए इस घट को लेकर संभव नहीं है। तो वहीं किसी निर्जन स्थान को देखते हुए विभीषण ने गड्ढा खोदकर उस घट को गाड़ दिया। वो स्थान महाराज जनक के अन्न देने वाले खेत थे, वो भूमि महाराज जनक को अन्न देने वाली भूमि थी। महाराज जनक ने जब से वो हल, जो घड़ा है वो गाड़ कर आए हैं विभीषण, तब से वहाँ आसपास के क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, अकाल पड़ गया है, भूमि बंजर होती जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ वातावरण विपरीत होता जा रहा है। तब
महादेव ने जनक महाराज से कहा कि अगर आप कोई पुरुषार्थ करें तो धरती मैया प्रसन्न हो सकती हैं। तब जनक महाराज ने अपनी रानी सुनैना के आभूषणों को पिघलवाकर रथ की नोक हल की नोक बनवाई और उससे अपने खेत में काम किया और कहा, हे धरती मैया, तू अन्न देती है, अगर तू हमें अन्न नहीं देगी तो हम भूखे मर जाएंगे। हम सबकी माँ है, हम पर कृपा कर, प्रार्थना करी और उस समय आकाश से कहीं हल्की बूंदें गिरने लगीं। वो नोक जा कर के एक किसी वस्तु में टकराई है और जब निकाला तो वहाँ एक कन्या के रूप में जनक महाराज को धरती माँ ने वरदान दिया। जनक महाराज ने उसका नाम रखा सीता। हल्की नोक को सीता कहते हैं, इसलिए उसका नाम सीता रखा। चूंकि धरती से आई हैं इसलिए नाम भूमि जा रखा। अग्नि स्वरूपा हैं इसलिए एक नाम क्षति जा रखा। ऐसे भगवती के इस तरह महाराज शीरध्वज जनक पर तीन संतान हैं, एक उनका पुत्र भानुमान, एक पुत्री सीता और दूसरी उर्मिला, और उनके छोटे भाई कुशध्वज पर दो पुत्री हैं, मांडवी और श्रुति कीर्ति। महाराज जनक परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और उन्होंने कहा, मेरे परिवार में जो कुछ है महादेव की कृपा से, आपके आशीर्वाद से है। सब कुछ तो अगर आप बनाने वाले हैं तो मिटाने वाले भी आप हैं। जो आप चाहें वही करें। जनक महाराज ने अपनी पुत्री को आगे किया कि आज आपकी पुत्री का स्वयंवर हुआ है। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा। तो कम से कम सुनैना रानी, जो अब तक हृदय कांप रहा था, उनको इतना लगा कि जो भी हो कम से कम अब राम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरी पुत्री को सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद मिल गया है।